आशीष की आशा आयशा बनकर दुल्हन के रूप में कर रही है अपने होने वाले दूल्हे का इंतजार। सुंदर सजी है आयशा, नारंगी रंग का शरारा, उस पर सुंदर गहने, माथे पर टीका और हाँ साइड टीका भी, और नाक में सुंदर सी नथनी जो खुद आशा को खूब भा रही है। द बेस्ट थिंग अबाउट माई लुक आई वुड से द नथ। मुझे मैं पर्सनल लाइफ में भी हमेशा एक यू नो नाक में हमेशा कुछ ना कुछ पहन के रखती हूँ, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पीस ऑफ ज्वेलरी जो आई थिंक हर इंडियन औरत पर बहुत सुंदर लगता है, स्पेशली द ब्राइड्स। एंड आई वुड हैव लाइक्ड इट अ लिटिल बिगर, क्योंकि यू नो फ्रॉम वेयर आई एम लाइक हमारे कल्चर में बहुत बड़ी नथ पहनते हैं, बट द नथ आई थिंक इट्स रियली ब्यूटिफुल। आई थिंक इट्स वेरी फेमिनिन एंड वो एक ब्यूटी निखर के आती है आई थिंक किसी भी औरत की। सो यार आशा तैयार तो है, मगर वो कहाँ जानती है कि उसका आशीष कैद हो चुका है। अपने ही घर में उसके छोटे भाई ने उसे कमरे में बंद कर दिया है और इस कैदी को रिमांड पर लिया है माँ दयावंती ने। यूँ समझिए कि गब्बर ने जैसे बसंती को नचवाया था, वैसे ही माँ दया आशीष को मजबूर कर रही है अपनी जान देने की धमकी के साथ। वो वाला सीन है मेरा, आपको कहते ना वो, जब तक तेरे पैरों में जान है तब तक जब तक तू नाचती रहेगी तब तक ये जिंदा रहेंगे। सो दयावंती भी थोड़ा सा आई थिंक गब्बरी स्टाइल में बोल रही है। सो बेसिकली हैव टू डू अ बसंती। आशा अवनी और आशीष की फैमिली नॉर्मल होने ही वाली थी कि दयावंती ने लगा दी आग और इस आग में जल गया आशीष और आशा का प्यार। मुंबई से वंदना शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।